चंदौली के कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की संसद में सदस्यता रद्द होने के विरोध में पंडित कमलापति त्रिपाठी पार्क में संकल्प सत्यापन ग्रह का प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस प्रदर्शन में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी और पदाधिकारी के साथ अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंदौली में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी की संसद में सदस्यता रद्द होने के विरोध में जिला मुख्यालय के पंडित कमलापति त्रिपाठी पार्क में संकल्प सत्याग्रह का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने राहुल गांधी के साथ विपक्षता होने की बात कही और बीजेपी सरकार ने निशाना साधते हुए कहा, जिस प्रकार केंद्र के मोदी सरकार ने राहुल गांधी से डरकर उनकी सदस्यता को समाप्त किया है, वह सीधे यह दर्शाता है कि यह सरकार कायर है और यह सरकार राहुल गांधी से पूरी तरह से घबराई हुई है। इसके साथ यह भी कहा कि हम लगातार इसी तरह के संकल्प सत्याग्रह प्रदर्शन करते हुए इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और कांग्रेस कमेटी का एक एक पदाधिकारी राहुल गांधी के साथ है। वहीं इस प्रदर्शन में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष और अधिकारी के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। आदर जी, क्या चीज लेकर हम लोग धरना दिए यहाँ? आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली यहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी पार्क में संकल्प सत्याग्रह चला रही है। जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार माननीय राहुल गांधी जी से डर कर उनकी सदस्यता को समाप्त किया, उनको घर से निकालने का नोटिस दे दिया, ये दर्शाता है कि ये कायर सरकार, ये डरी हुई सरकार, ये तानाशाही सरकार पूरी तरीके से राहुल गांधी से घबराई हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया के साथियों से मैं पूछना चाहता हूँ, एक विपक्ष के नेता का काम क्या होता है? विपक्ष का नेता अगर माननीय राहुल गांधी जी किसी कानून की बात करते हैं तो ये विपक्ष का काम है। बेरोजगारी की बात करते हैं तो ये विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। वो रोजगार पर बात करते हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। वो भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। क्या इस लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को विपक्ष की भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है? ये जो लोकतंत्र खत्म करने का कुत्सित प्रयास मोदी जी चलाया जा रहा है, ये बहुत ही घृणित कार्य है और आने वाले समय में लोकतंत्र को खत्म कर देगा। ये कब तक आपका संकल्प सत्याग्रह? हम लोगों का ये संकल्प सत्याग्रह चल रहा है लगातार। 28 तारीख से को दिल्ली में था, प्रदेश में भी था, आज हम लोगों का चंदौली में है, फिर 31 तारीख को आप लोगों के साथ हम लोग मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है। लगातार हम लोग एक महीने का शेड्यूल हम लोग का लगातार इस मुद्दे को हम लोग चलाएंगे और माननीय राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए चंदौली से सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट।